हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ढूंढे 090। तो आ चुके हैं हम एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको बेसिक्स लेग वर्कआउट के बारे में बताएंगे। इससे आप सभी जो बिगनर्स हैं लेग वर्कआउट करना स्टार्ट किए हैं और आपको नहीं पता लेग वर्कआउट का सही तरीका क्या है, तो इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे बेसिक्स लेग वर्कआउट का सही तरीका क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमको मोटिवेशन भी मिलता है नए वीडियो बनाने का और आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा अगर हम ऐसे वर्कआउट के और वीडियो पोस्ट करते हैं। तो चलिए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखा जाए लेग वर्कआउट की बात आती है तो सभी के माइंड में सेट रहता है कि हाँ हमको उठक बैठक करना है, ऐसे कुछ भी करना है, उठक बैठक करना है, वो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इससे उनको अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलता। और वो बोलते हैं यार हम हर दिन वर्कआउट कर रहे हैं लेग का तो हमको उतना अच्छा रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। तो आपको सबसे पहले आपके पोस्चर पर ध्यान देना चाहिए लेग के ऊपर। तो हम आपसे परफेक्ट पोस्चर के बारे में बताएंगे कि क्या होता है लेग वर्कआउट से परफेक्ट पोस्चर। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट पोस्चर पे ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये शोल्डर है उसी के बराबर में आपका ये पैर का डिस्टेंस रहेगा, बहुत वाइड नहीं रहेगा, बहुत क्लोज भी नहीं रहेगा, आपको एक नॉर्मल देना है डिस्टेंस। और ध्यान देना है कि आपको नीचे जाना है और ये आपका जो नी है ये इसके टो के बाहर नहीं होना चाहिए, अंगूठे के बाहर नहीं होना चाहिए। देखिए मैं साइड चेंज कर आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आपका नी है आपके अंगूठे के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ये गलत है। आपको करना क्या है, नॉर्मल सीधे और ये डाउन, फिर आप फिर डाउन। और सेकंड पॉइंट कि आपको अपने टो पे ध्यान देना है। बहुत सारे लोग स्क्वाट करते हैं तो ये जब डाउन होते हैं तो उनका पैर ऐसे उठ जाता है, फिर डाउन करेंगे फिर नीचे लाएंगे फिर उठ जाएगा, ये गलत होता है। आप नॉर्मल पैर रखिए सीधा और सिंपल स्क्वाट्स करिए, नीचे जाइए एक सेकंड होल्ड, फिर अप, फिर अगेन धीरे धीरे नीचे जाइए, फिर होल्ड, फिर अप। आप अपने ये बॉडी का जो शेप है इसको भी ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे लोग पूरी बॉडी आगे फोर्स दे देते हैं, पूरा ऐसे कर देते हैं, ऐसे में आपके नी पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा, आपको इंजरी के भी चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि जो बॉडी है एकदम सीधी रहे। आप जितना स्लो हो सके उतना करिएगा। और आप बिगनर्स हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप कम से कम 10 सेट 12 रिप करिएगा और 3 सेट करिएगा जो, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं आप सभी। बहुत सारे लोग बताते हैं आपको कि स्टार्ट में 15 टाइम 30 टाइम करके 4 सेट करें 5 सेट करें, लेकिन फर्स्ट डे आप अपना वर्कआउट कंप्लीट कर देंगे लेकिन सेकंड डे आपके पास हिम्मत ही नहीं रहेगा, पैर में इतना पेन होगा। इसलिए मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं हफ्ते भर भी गैप करता हूँ अपना वर्कआउट तो मैं नॉर्मल अपना फिर से स्टार्ट करता हूँ तो फर्स्ट डे 10 पुशअप्स और स्क्वाट्स लाइट मारता हूँ 10-15 करके, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ धीरे धीरे बढ़ाता हूँ। तो आप लोग अगर ऐसे फॉलो करेंगे तो आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा एक्सरसाइज है हमारा लंजेस, आपको अपने पैरों को आगे करना है, फिर अपने नी को जमीन पर टच करना है, फिर अप करना है, फिर बैक जाना है, फिर अगेन नी टच, ऐसे करके ये एक होता है, ऐसे करके आपको 6 टाइम करना है और 3 सेट करना है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक नॉर्मल ऐसे आगे पैर रख के ये 1 ये 2 ऐसे करके भी आप कर सकते हैं, ऐसे 6 टाइम कर सकते हैं, फिर चेंज करके 1 2 3। तो आप नॉर्मल इसको भी ऐड कर सकते हैं। तीसरा एक्सरसाइज है हमारे काफ मसल्स के लिए। तो आपको मैं घूम जा रहा हूँ, रोटेट हो जा रहा हूँ, आपको ईंटें लेने हैं दो, अपने घर पे कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे। आपको धीरे धीरे नीचे फिर अप, 1 सेकेंड का होल्ड, फिर डाउन, फिर अप, फिर होल्ड, फिर डाउन, ऐसे करना है। आप बिगनर्स हैं, आप कोशिश करिएगा 10 से 15 करने का, ठीक है। और
ये वीडियो मैं सिर्फ बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ जो अभी वर्कआउट करना स्टार्ट किए हैं। बाकी लोगों को तो बहुत सारा करते आते हैं, लेकिन जो स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिससे वो अच्छा अपना स्टार्ट कर सके और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग के लिए। आपको ऐसे लेटना पड़ेगा और अपना जो ये हाथ है ये कोशिश करेंगे कि इस पर टच रहे नॉर्मल। इसके बाद आपको अपनी हिप को उठाना है, ऐसा होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे डाउन करना है, फिर अप, फिर डाउन, अप, होल्ड, डाउन। इसके भी आपको 10 से 12 रिप करिए, ज़्यादा नहीं होता तो आप सिर्फ दो ही सेट करिए स्टार्ट के 2-4 दिन, फिर धीरे धीरे अपने रिप को बढ़ाइएगा और कोशिश करिएगा कि आप अपने हिसाब से करें। और मैं तो कम से कम ही बता रहा हूँ, आप इतना करें फिर डे वाइज कुछ दिन इसको कंटिन्यू करें, हफ्ते भर के बाद फिर कुछ बढ़ाएं थोड़ा सा, और ऐसे करके आप कम से कम 15 डेज ये सब रूटीन को फॉलो करें, फिर ही बढ़ाएं अपने रिप को। और एडवांस करना है तो इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको इतना बॉडी पेन नहीं होगा ये सारे एक्सरसाइज से। तो जो बिगनर्स हैं ये वीडियो उनके लिए था। तो और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे थोड़ा एडवांस बताएंगे कि 15 डेज के बाद आपको क्या करना है। तो वीडियो में बस इतना ही, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो कुछ ऐसे वीडियो भी देख लेते हैं जिससे कुछ दिन उनको फॉलो करते हैं लेकिन उनको इतना बॉडी पेन होता है तो कुछ ही दिन में वर्कआउट छोड़ देते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जो बिगनर्स हैं जिनको लेग वर्कआउट स्टार्ट करना है कि कैसे 15 डेज या 10 डेज अच्छे से करें जिनसे उनकी बॉडी को पेन भी ना हो और रिजल्ट भी अच्छा मिले। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी टीम को और हमको सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।